दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। आशीवन थाना क्षेत्र अंतर्गत दलित 5 वर्षीय बालक के साथ 2 युवकों ने किया कुर्कम। पीड़ित की मां ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के आजसीवन थाना क्षेत्र के बरौकी गांव निवासिनी भारती पत्नी विनोद के बच्चे को रुपए देने के बहाने गांव के ही 2 युवकों यानी दीपक पुत्र छुन्नू पंडित, रामजी पुत्र रविशंकर पंडित ने गांव के बाहर नहर के पास खेल रहे बच्चे को गांव के बाहर बने पंचायत भवन के अंदर जबरन ले जाकर बच्चे के साथ कुकर्म किया। पीड़ित बच्चे को गांव का एक लड़का उठाकर लाया हुआ था। घटना के संबंध में परिवार वालों को बताया मां भारती को लड़के ने जानकारी दी। पीड़ित बच्चे के मां बाप ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर न्याय की पुकार की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित के पिता का आरोप है कि जब वह थाना अध्यक्ष अनुराग सिंह को आप भी थी बताने गया तो उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई और कहा कि कोई पूछे तो बता देना कि बच्चे को खून की लैटरिंग आ रही थी। इसके बाद उसे काफ़ी रात तक थाने में बिठाया रखा। अब स्थानीय थाना अध्यक्ष अनुराग सिंह से जुब्ध होकर पीड़ित की मां ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक बच्चियों के साथ दुष्कर्म तो ही रहा था, अब बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या पीड़ित को न्याय मिलता है या हमेशा की तरह एक बार फिर से लीपा पोती कर दी जाएगी। असली नाम बता है। पहले तुम नाम बताओ, तुम्हारा नाम का है? असली? हाँ। आदर्श। आदर्श क्या हुआ था आदर्श तुम्हारे साथ? हमारी तरफ देख के बताओ क्या हुआ था? डरो ना, बताओ क्या हुआ था, बताओ। अभी बताया था, गाड़ी मारी रहे। कौन कौन था? एक जना और है राम जी। हाँ। और पंडित रहा दोनों। दोनों। और दूसरे वाले का नाम है? दूसरे वाले का दीपक। दीपक का कहना है? कहाँ गाड़ी तो चले ना तो का मारा। अच्छा, तो तुम्हारा कहीं चोट लगी रहे? हाँ। कहाँ? खून बह रहा है। कहाँ से? सीना चूतर। चूतर से तो खून बहुत था। तो वो कहाँ बोले? तो भाग गए हैं। भाग गए? पुलिस कहाँ गई तुमसे? पुलिस उनका पकड़ लेना। पकड़ ली? तो पुलिस से वो लोग कहाँ बताए? मारेगी ना जी। मारेगा? तो तुम पुलिस के सामने ये बात बता रहे हो? सबसे पहले तुमने किसको बताया था ये बात? पुलिस का। सबसे पहले पुलिस को बताई थी ये बात? नहीं सर, मम्मी। पहले मम्मी को बताया था और फिर किसको बताया? पापा को। पापा को तो पुलिस आई थी बाद में, पुलिस को बताया। पूरा मामला ये है कि वो जो छोटा लड़का है 5 साल का, उसको 2 लड़के लेके गए थे। कौन लड़के थे? वो दीपक रामी लेके गए थे। उसको जबरदस्ती गलत काम किया, वो रो रहा था तो उसका मुंह दाब के किया, कह रहे थे अगर नहीं करेगा तो जो मारेंगे फेंक देंगे नहर में। जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? हमको दूसरे ने बताया। बच्चे से बात हुई, बच्चे ने क्या बताया? ये भी कह रहा वही किया। क्या बता रहा था? बता रहा था दीपक है, राम जी है, जबरदस्ती किया। पुलिस से शिकायत की थी? वहाँ पे की, वो लोग कह रहे हैं कि इसको साथ कुछ भी नहीं हुआ, हमने चेक किया कुछ भी नहीं हुआ और हमने देखा कि चीरा हुआ। पुलिस से जानकारी हुई है कि आप लोग समझौता कर लो गया था, ऐसे कोई मामला ही नहीं है, तो थाने में क्या बात हुई? वही कह रहे थे कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं हुआ, क्योंकि हमने कह रहा था ये बात थाने में है, जितने पुलिस वाले हैं। अच्छा, अभी आप एसपी सर से मिले हैं तो क्या शासन दिया है? वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जब समझौता हो गया था, यहाँ पे क्या जरूरत आने की थी, तो हम कहा यहाँ पे आए इसलिए क्योंकि वो अपने आगे हमारी सुनते नहीं, जो हम कहते वो नहीं सुनते, वो सिर्फ हमारी बात जापते हैं, अपनी कहते हैं। फिर क्या कहा कप्तान सर ने? तो ये कहा तुम चाहते क्या हो? तो हम कहा हम चाहते हैं कि मुकदमा होना चाहिए और मेडिकल हो, एफ आई आर दर्ज हो। उनके चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले।
जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।